शीतला माता मंदिर ग्वालियर। जय जय श्री शीतला भवानी, जय जगजननी सकल गुणधानी, ग्रह ग्रह शक्ति तुम्हारी राजती, पूरन शरण चंद्र सा साजती, विस्फोटक सी जलत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीड़ा, मात शीतला तब शुभ नामा, सबके काहे आवही कामा। इस दोहे का अर्थ है कि हे शीतलता की देवी, आप ही सबका ध्यान रखती हैं। आपकी कृपा पड़ने पर उज्जवल शीतल हृदय बुद्धि बल ज्ञान का निर्माण होता है। हर जगह आपकी शीतल रोशनी पड़ती है। शीतलता की देवी आपकी छाया भी आपकी ही तरह शीतल है। जय भगवती देवी नमो वर दे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नरोर्ति हरे। श्री शीतला देवी मंदिर ग्वालियर में स्थित है। बहुत ही विशाल है। शीतला देवी के साथ इस मंदिर में और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति, भगवान विष्णु के अवतार श्री नरसिंह जी की मूर्ति तथा शिव जी भी यहाँ विराजमान हैं। माता का ये मंदिर बहुत ही रंग बिरंगे रंगों से रंगा गया है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही बहुत सारी बड़ी बड़ी घंटियां बांधी गई हैं। दिन भर घंटी की आवाज कानों में गूंजती रहती हैं। इस मंदिर में माता शीतला की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। माता ने गुलाबी रंग के जड़ाऊ वस्त्र धारण किए हुए हैं। नमस्ते स्तु महामाये, श्री पीठे सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते।
मंदिर में भगवान कृष्ण की भी बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए खड़े हैं। हनुमान जी भी विराजमान हैं। मंदिर में अन्य देवियों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि कुष्मांडा, महागौरी, कालरात्रि, कात्यायनी यहाँ विराजमान हैं। मंदिर में एक झूला बांधा गया है। जो भी छोटे बच्चे यहाँ मुंडन संस्कार के लिए आते हैं, उन्हें इस झूले में झुलाया जाता है। कहा जाता है इस झूले में बच्चे को झुलाने से उन्हें माता का आशीर्वाद मिलता है। माता शीतला का शीतला अष्टमी व्रत चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र मास के प्रथम पक्ष में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार को किया जाता है। इस व्रत के करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक और दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, माता की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला माता जनित दोष दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है। इस व्रत की विशेषता है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिए जाते हैं, अर्थात शीतला माता को एक दिन का बासी यानी शीतल भोग लगाया जाता है, इसलिए ये व्रत बसोंडा के नाम से प्रसिद्ध है। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गदर्भ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरोर्ति हरे। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला को गदर्भ पर ही आसीन दिखाया गया है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत्र शीतला अष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्रोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोक हित में की थी। जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णु नत,
वनते, जय भास्कर शक्र शिरो वनते। शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा का गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए ये मंत्र बताया गया है। जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। श्री शीतला माता का मंदिर विशाल तो है ही, साथ ही मंदिर का परिसर भी बहुत विशाल है। मंदिर के परिसर में बहुत से पेड़ पौधे, बहुत सारी प्रसाद और मिठाइयों की दुकानें हैं। यहाँ की दुकानों की मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। मंदिर की ये रीत है कि भक्तगण यहाँ जलती ज्योत को हाथ में लेकर माता की आरती करते हैं। माता की आरती तीन बार की जाती है, एक आरती भोर में की जाती है, दूसरी दोपहर को और संध्या आरती 7 बजे की जाती है। आरती समाप्त होने के बाद प्रसाद तथा धूप आरती के लिए मंदिर में भक्तों की होड़ लग जाती है। भगवती शीतला की उपासना से हमें स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। शीतलोपासना की परंपरा प्रारंभ करने के पीछे संभवतः हमारे ऋषियों का भी यही आशय रहा होगा। जय शीतला माता।